हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और आज मैं मौजूद हूं इस वक्त ओमनी कार्टिंग ट्रैक के ऊपर। आज का शो बहुत ही डिफरेंट होने जा रहा है, आज की जर्नी बहुत ही डिफरेंट होने जा रही है, क्योंकि यहां पे हो रहा है 2023 का सबसे बड़ा कार्टिंग इवेंट एंड आई वॉज एबल टू गैदर द बेस्ट ड्राइवर्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम लाहौर एंड इस्लामाबाद टू पार्टिसिपेट इन दिस रेसिंग चैम्पियनशिप। और देखते हैं कि यहाँ के जो टॉप ड्राइवर्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान की क्रीम आ रही है ड्राइवर्स की और हम उनके अगेंस्ट कम्पीट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज। माय नेम इज तलहा बिन नजर। I'm from Lahore and I'm the youngest professional drift driver from Pakistan, racing under the flag of TBA Racing and Bullseye Racing. आज हम इधर ओमनी कार्टिंग सर्किट कराची में आए हुए हैं विद द ऑल न्यू व्रूम रेसिंग टीम विच कंपाइल्स ऑल द बेस्ट ड्राइवर्स फ्रॉम लाहौर एंड इस्लामाबाद। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग NGK रमजान स्प्रिंट इन एंड्योरेंस कप। प्रैक्टिस हैज बीन गुड सो फार, इट्स बीन अमेजिंग यार, लाइक आई थिंक नॉट जस्ट अमेजिंग, इट्स बीन वेरी सरप्राइजिंग। हर जो लैप होता है वो लर्निंग लैप, उसका लर्निंग लैप ही होता है। हर दफ़ा नया कुछ पता चलता है और इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट एवरीथिंग। यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी के इन कराची दे आर टेकिंग कार्टिंग वेरी सीरियसली एंड बड़ा अच्छा कर रहे हैं यार ड्राइवर्स को, जिनको अभी तक हमने सेशन करते देखा है या जिनके साथ हमने किया है, देव बिन वेरी कंसिस्टेंट एंड we're really really looking forward to this enjoyable battle and fight. Lekin at the end of the day the goal is to enjoy the event and I think kyunki ye apni tarah ke events mein se pehla ek hai, ek naya endurance ka scene start ho raha hai, so I think acha event ho to bahut maza aayega. Hum logon ne decide ye kiya tha ki jo driver seats hain wo performance based pe honi chahiye aur जब उसके ऊपर फिर स्टार्ट किया तो उसका क्राइटेरिया और वो सारा कुछ सेट हुआ। प्रैक्टिस चल रही है, हम सारे ड्राइवर्स आपस में दोस्त हैं, हम लोग रेगुलरली लाहौर के अंदर कार्टिंग वगैरह करते रहते हैं और हम लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ। लेकिन ये कि एट द सेम टाइम सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, सब ड्राइवर्स जो है यहाँ से एक से बढ़कर एक है, तो वी गॉट वेरी गुड ड्राइवर्स, गुड टीम, वी आर गोना गो फॉर इट। I'm Haider Suleiman and I'm part of the Vroom Racing team. My karting career is of around 3 years right now and I was the Red Bull finalist in 2020 and I'm also a champion of Digger karting event in Lahore in 2021. So this is my brief introduction and I am the heaviest driver of the team but with most consistent lines. So I'm hoping for the best. Let's see what happens. Abhi tak practice meri achhi ja rahi hai lekin mujhe abhi tak सबसे जो तेज कार्ड जिसपे मैं डाटा ले सकूं अपने बाकी को ड्राइवर से, वो कार्ड्स मुझे नहीं मिली, तो इसलिए आई कैन नॉट से हाउ वेल आई एम परफॉर्मिंग राइट नाउ, बट आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है, ये पाकिस्तान में तीसरा ट्रैक खुला है, पहला 2F2F के दो हैं विच आर द सेम लेआउट। ये डिफरेंट है, वेरी टेक्निकल, वेरी गुड एंड इट्स मेंटेन्ड प्रीटी गुड, तो इट्स एन अमेजिंग फैसिलिटी। और यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है वो लग तो अभी तक रहा है कि बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। मुझे लोग साइंटिस्ट कार्टिंग का इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने सबके साथ मिलके वो लाइंस डेवलप की जो पहले लोग नहीं यूज़ करते थे और फिर उन लाइंस पे मैं सबसे जल्दी सबसे कंसिस्टेंट हो गया था और अभी तक मेरे लैप टाइम्स आर विद इन 0.1-0.2 सेकेंड्स ऑन दोज ट्रैक्स। मेरा लास्ट ईयर वेट था 104 kg और अब मेरा 90 पे आ गया है आफ्टर लूजिंग 14 kg, लेकिन अभी भी मेरा यहाँ की जो रेस पे स्टैंडर्ड सेट है 85 उससे 5 kg ज़्यादा है, सो दैट्स अ स्मॉल डिसएडवांटेज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एम शरान सलीम, आई एम पार्ट ऑफ रूम रेसिंग टीम, आई एम ओनली 20 इयर्स ओल्ड, आई एम द यंगेस्ट पर्सन इन दिस टीम। My experience in karting is very, very less. I've only done 2 years of karting and around only 25 to 30 sessions compared to
300 sessions of other people. So we're here for the endurance in Karachi. So idhar hum log team bana ke aaye hain, hum performance dekhne ek dusre ki, aur inshallah hum log achhi team bana ke jeetne ki koshish karenge. Main ek din baitha hua tha ghar pe and I got a call from Hamza bhai. He's like, we're going, Hamza Pasha, hum log Karachi ek team leke ja rahe hain endurance ke liye. So because I was very passionate about karting and obviously sim racing, so maine kaha बिल्कुल चलें. मेरा गोल ये है कि जितना मैं कार्टिंग के बारे में सीख सकता हूँ, रेसिंग के बारे में सीख सकता हूँ, वो मैं कर पाऊँ. जैसे हमजा पाशा है, तलाब नाजर हुज़ लाइक हुज़ अ ड्रिफ्टर, यस्तूर जो बाहर यूरोप भी गए हैं रेसिंग के लिए. मेरा गोल है कि मैं इनसे जितना सीख सकता हूँ मैं सीख पाऊँ. आई हैव बीन सिम रेसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अराउंड 3 or 4 years. तो मुझे रेसिंग का काफ़ी आइडिया था, बट मुझे उनकी मदद चाहिए कि मैं उसको रियल लाइफ रेसिंग में कैसे कन्वर्ट कर पाऊँ. इसलिए आई थिंक इधर मैं ये सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान के टॉप एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं उनमें मुझ में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो देखा होगा, कोई टैलेंट देखा होगा. तो क्योंकि दे बिलीव इन मी, तो आई बिलीव इन मी एज वेल. पार्टिसिपेट करें कराची इंड्योरेंस कप में जो कि रमज़ान के अंदर चल रहा है, और इसके अंदर हमारा जो आपस का एक कंपटीशन है. द प्लान आई हैड इन माइंड वो ये था कि हम 4 लोगों की टीम ना लेके जाएं, हम 6 लोगों की टीम लेके जाएं और वहां पे एक फेयर ट्रायल्स हों प्रैक्टिस सेशंस के अंदर, जिसके अंदर जो टॉप 4 परफॉर्मिंग ड्राइवर्स हो वो आके पार्टिसिपेट करें. उसका फ़ायदा जो मैं देखता हूँ वो ये है कि हमारा जो कंपटीशन का स्पार्क है वो अगर तो कंपटीशन के अंदर इग्नाइट नहीं होता मेन, तो वो एक प्रॉब्लम हो जानी थी. तो हम 4 दिन पहले आके हमने आपस में एक कॉम्पिटिशन शुरू किया, और मुझे लग रहा है कि जो टॉप टीयर ड्राइवर्स हैं, यास्तूर मिर्ज़ा इज़ अ Formula 3 चैम्पियन, वी हैव तला बिन अज़र हु इज़ अ मलेशिया ड्रिफ्ट चैम्पियन ऑफ मलेशिया, हमारे पास लाहौर के फास्टेस्ट मीर हमज़ा शायद जिसके लॉर्ड मीर जिसका नाम है वो है. तो द कॉम्पिटिशन हेयर इज़ वेरी वेरी टफ टू गेट इन द ए टीम राइट नाउ. तो उसके लिए सारे ड्राइवर्स जो हैं दे गिविंग देयर बेस्ट कि हम किसी तरह आपस में एक दूसरे को बीट करें. इट इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, लेकिन वो स्पार्क इग्नाइट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिफोर द इवेंट, ताकि इवेंट में वेन वी आर गोइंग अगेंस्ट द अदर टीम्स वी आर राइट अप देयर. क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन कराची के अंदर इस वक्त हो रहा है, दिस इज़ वी हैव टॉप टीयर ड्राइवर्स ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट. और ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि हमारा अगर प्रोफाइल बड़ा है या हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वी कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. हमें अपना 100% देना होगा, हमें फुल ऑन 100% तैयारी के साथ, 100% डिटेलिंग के साथ वी वॉन्ट टू इवन लुक एट द पोडियम, बिकॉज द कॉम्पिटिशन हेयर is unbelievable. That's what we are doing here. और हमारी कोशिश है कि जितनी जो टॉप टीयर ड्राइवर्स हैं वो देखते हैं अब हम में से कौन सेलेक्ट होता है. हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, द बेस्ट परफॉर्म 4 परफॉर्मिंग ड्राइवर्स दे विल बी गोइंग इन द ए टीम. हमारी टीम का नाम है ब्रूम रेसिंग टीम, जो कि इज़ इन पार्टनरशिप विद ब्रूम रेसिंग अकेडमी, जहाँ पर गेयर अप की गाड़ियों की टेस्टिंग भी होती है, एंड द एसए ग्रुप ऑफ पाकिस्तान. तो वी हैव पार्टनर्ड अप, और ताकि हमारा जो सारी फैसिलिटीज़ और वो सारी चीज़ें हैं दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट, सो वी कैन फोकस ऑन द रेस. क्योंकि ड्राइवर के लिए रेस के अंदर जो एक जोन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यू कैन नॉट बी लाइक डिस्ट्रैक्टेड, और आप रेस में जाके परफॉर्म ऐसे मुँह उठा के नहीं कर सकते. यू हैव टू बी राइट देयर इन ए, वो मेंटल जोन आपका 100% होना चाहिए. अगर आपने रेस में सिर्फ परफॉर्म नहीं करना, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द विन. तो हम लोग वी हैव होप्स डेफिनेटली, बिकॉज वी आर द क्रीम ऑफ पाकिस्तान रेसिंग ड्राइवर्स, बट
this is a new track for all of us. और हम लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वी होप टू प्रोवाइड अ वेरी गुड रिजल्ट. बट द मेन थिंग, इफ यू आर नॉट हैविंग फन इन दिस रेस, देयर इज नो पॉइंट. वी ऑल द ड्राइवर्स हियर लिव फॉर रेसिंग और यहाँ पे वी आर ऑल हियर टू हैव फन एंड पार्टिसिपेट एंड गिव आवर 100%. यहाँ पे एक मिनी एंड्योरेंस रेस जो हो रही है वो 6 घंटे की रेस है जिसमें टीम्स जा रही हैं 4 ड्राइवर्स की. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 15 मिनट का अगर आप एक सेशन करते हैं विच कॉस्ट अराउंड 4,000 रुपीज, अगर आप एक सेशन करते हैं तो उसके बाद यू आर मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड. मैं एक सेशन के बाद बाहर आता हूँ तो आई एम स्वेटिंग ऑल ओवर. तो दैट्स हाउ फिजिकल इट इज. आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, आपकी एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए. 6 घंटे की रेस में हमारी टीम पार्टिसिपेट करेगी जिसमें 4 ड्राइवर्स एक ही गाड़ी को 6 घंटे में चलाएंगे और जो उस 6 घंटे के अंदर टीम मैक्सिमम नंबर ऑफ लैप्स करेगी दैट विल बी डिक्लेयर्ड द विनर. माय नेम इज जस्तूल मिर्जा. आई एम अ रेसिंग कार ड्राइवर representing Pakistan for last 16 years and I have been driving open wheel cars for a long time and I have been testing Formula Ford car, Formula Renault, Formula BMW, Formula 3 and I have some achievements in Formula racing as well internationally. So I've been in Formula BMW and that was my debut race and I won that race and then I also participated in Formula Gulf 1000 and I got podium in that race. Well, Lahore se jo team hamare sath Islamabad mein bhi karting karti rahi hai jaise Hamza Pasha hai, Tal hai aur jo Meer aur 3 drivers aur hain wo bahut zabardast driver hain aur unki maine yahan pe practice dekhi hai. Hardly unhone 3-4 session kiye the to mujhe bahut zyada impress kiya unhone aur even ke meri bhi performance itni behtar nahi thi. मैंने उनसे कुछ सीखा है, उन्होंने कुछ मेरे से सीखा है. तो अभी तक मेरे ख्याल से हमारी टीम जो है वो अगर नंबर ऑफ सेशन देखे जाए तो हमारी टीम बहुत ऊपर जा रही है. लेकिन हम और कोशिश कर रहे हैं अपने लैप टाइम इम्प्रूव करने की, एक दूसरे के साथ कम्पीट भी कर रहे हैं, रेस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो हम अभी देख रहे हैं. वेल, अभी तक तो मैंने टोटल 6-7 सेशन्स किए हैं जिसमें से कुछ सेशन्स जो थे वो कार्ड मतलब स्लो होने की वजह से मैं अच्छा नहीं कर सका, लेकिन 1-2 दफ़ा मुझे कार्ड अच्छी मिली जिसकी वजह से मैंने अच्छा बेहतर परफॉर्म किया. मेरे ख्याल से फास्टेस्ट जो ड्राइवर है कराची से उससे मैं 0.5 सेकंड दूर हूँ. तो इंशाल्लाह वो आज उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको ब्रेक करूँगा और जो मेरे फेलो ड्राइवर्स हैं वो भी इसको ब्रेक करेंगे. उसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ट्रैक कंडीशन, जो कार्ट मुझे मिलेगी मेरे अंदर, मेरी कार्ट के अंदर वेट भी जाएगा. तो ये डिपेंड करता है, प्रैक्टिस सेशन में हमें पता चलेगा कि कौन किससे आगे जा सकता है. तो ये उसी वक्त डिसाइड होगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीत सकेगा. मेरे ख्याल के मुताबिक हमजा पाशा और तलहा द फास्टेस्ट ड्राइवर कंसिस्टेंट हैं. उसके अलावा मीर जिसने हम सब में से पहले फास्टेस्ट लैप मारा है, मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है. लेकिन हमजा और तलहा दे आर द वेरी गुड ड्राइवर्स. अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मीर हमज़ा. मैं अभी सेशन करके आया हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ. तो मैं लाइटेस्ट ड्राइवर हूँ, मैं पार्ट हूँ रूम रेसिंग टीम का, मैं लाइटेस्ट ड्राइवर हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत चाहिए, इसलिए मैं बैक टू बैक सेशंस कर रहा हूँ और मैं लाहौर का लाइटेस्ट फास्टेस्ट ड्राइवर हूँ विद अ गुड लैप टाइम. 4 ड्राइवर्स मेरे कंपेटिटिव भी हैं और मेरी टीम में भी हैं जो कि तलहा बिन अज़र, हमज़ा पाशा, हैदर सुलेमान, ये सारे, इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है. और यस, आई फॉरगॉट यास्तूर मिर्ज़ा. यास्तूर मिर्ज़ा तो ब्रो, ही इज़ हेल ऑफ अ ड्राइवर और मैं उनकी टीम में हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी 3 साल का है सिर्फ. तो इसलिए मैं बैक टू बैक सेशन करूँ और अभी थका भी हुआ हूँ. इन सब ड्राइवर में से सबसे अच्छी बात यह कि 3 साल में सबसे ज़्यादा सेशंस मैंने किए हैं, तकरीबन 5,000+ किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया हुआ है ऑन ट्रैक. तो अगर हम एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट कर रहे हैं तो फिर तो वी आर राइवल्स, लेकिन अगर हम एंड्योरेंस रेस में हैं तो वी आर एज अ टीम एंड वी हैव टू वर्क एज अ टीम.
अभी तक जो रिकॉर्ड आया है उसमें तो मैं सेकंड पोजीशन पे हूँ, लेकिन ये सारा लैप टाइम्स की बेस पे है। जब वेट्स डलेंगे, ऑन ट्रैक जाएंगे, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर हम यहाँ के लोगों से कंपेयर करें तो हमने विद इन 3 डेज काफ़ी कुछ अचीव किया है, और इन लोगों का जो सीट टाइम है यहाँ पे 2 साल का है, तो 2 ईयर्स वर्सेज 3 डेज काफ़ी कुछ बता देता है। मेरे जो टीम मेम्बर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं ऑन ट्रैक, और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है मेरे से, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और मेरा टाइम अभी सबसे कम है उनके कंपैरेटिवली। मेरा टाइम कम है तो मुझे काफ़ी मेहनत रिक्वायर्ड है, और वो मैं कर भी रहा हूँ, और मैं आई होप कि मैं टीम के लिए एक एसेट बन सकूँ अच्छा परफॉर्म करके। अच्छा, टीम में सबसे ज़्यादा रौला जो है ना वो एक लड़का है मीर नामी, और वो मैं हूँ, और मैं बहुत रौला मचाता हूँ। मुझे हर बंदे की हर बात पे इशू है, और वो रहना है और वो रहेगा।